नमस्कार दोस्तों, अभी जो है मैट्रिक पास प्रोत्साहन योजना के लिए आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। इस पर मैंने आप लोग को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि किस तरीके से आप लोग वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे छात्र मुझे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर नहीं लिया जा रहा है, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है बैंक अकाउंट नहीं लिया जा रहा है, जबकि पहले जो आप लोग का आवेदन होता था उसमें आप लोग का अकाउंट नंबर डालना होता था, अपना यहाँ पे जो है अकाउंट का डिटेल जो है बैंक का जो डिटेल है वो आप लोग वहाँ पे डालना होता था, लेकिन इस बार जो है आप लोग का बैंक अकाउंट यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। तो किस तरीके से हमको यहाँ पे पैसा मिलेगा और हमारा पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को ये परेशानी हो रही है कि जब वो अपना यहाँ पे लिस्ट में नाम चेक कर रहे हैं तो उनका जो लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना यहाँ पे नाम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो उनका नाम शो नहीं कर रहा है, तो वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। साथ में बहुत सारे छात्रों को यह भी परेशानी हो रही है कि यहाँ पे जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है, तो उसका भी मैं आप लोगों का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सब कुछ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको भी ये सब यहाँ पे परेशानी आ रही है, आपके मन में भी ये सब सवाल है, तो ये आप लोग यहाँ पे क्लियर होने वाला है। सभी छात्रों के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, क्योंकि जितना भी आप लोगों के मन में सवाल है सारा सवाल आप लोग यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सभी सवालों का जो जवाब है वो आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आप लोग का अकाउंट नंबर नहीं लिया जा रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप जो है जब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आइएगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मैट्रिक प्रोत्साहन योजना में, तो आप लोग का जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट ओपन होता है, आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा। मैं आप लोग को जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग का जो सारा डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब यहाँ पे मांगा जा रहा है। नीचे आप लोग का आधार वेरिफिकेशन नंबर मांगा जा रहा है, और यहाँ पे देख पाओगे कोई भी आप लोग का यहाँ पे जो बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं है। पहले क्या था कि आधार वेरिफिकेशन से पहले आप लोग यहाँ पे जो बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा जा रहा था, या फिर बाद में जो आप लोग का बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वहाँ पे मांगा जाता था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे कोई भी आप लोग का जो बैंक अकाउंट का डिटेल है वहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। और यहाँ पे आप सबमिट भी कीजिएगा तो सिर्फ आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप लोग का जो आधार कार्ड है, मार्कशीट है, ये सब आप लोग यहाँ पे अपलोड करना होगा, और बाकी कुछ भी आप लोग यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। कहीं पे भी बैंक पासबुक आप लोग का अपलोड करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, या फिर बैंक का जो आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर है या फिर जो बैंक का नाम, ये सब आप लोग यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है। तो पैसा कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आप समझिए कि सरकार की तरफ से आप लोग का जो आधार है उससे जो है एक बैंक अकाउंट सीड कर दिया जाता है। आपके पास जो कितना भी बैंक अकाउंट है, मान लीजिए आपके पास जो चार बैंक अकाउंट है, पांच बैंक अकाउंट है, लेकिन सरकार जो है चार पांच बैंक अकाउंट में से किसी एक में जो है आप लोग का आधार सीडिंग कर देती है। अब आधार सीडिंग और आधार लिंकिंग दोनों अलग अलग चीज है। आधार लिंक जो आप लोग का होता है जिससे कि आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपने आप पैसा निकालते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, तो वो आप लोग का है जो सिर्फ पहचान के लिए होता है। लेकिन आधार सीडिंग क्या होता है कि सरकार के पास आप लोग का कोई एक बैंक अकाउंट जो यहाँ पे जमा कर दिया जाता है, और सरकार उसको जो डीबीटी से लिंक कर देती है, और जितना भी प्रकार का आप लोग का पैसा होता है, चाहे कोई भी सरकारी योजना का पैसा है, वो डायरेक्टली जो है आपका उस बैंक अकाउंट में चला जाता है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले यहाँ पे वीडियो बनाकर जानकारी दिया था, लगभग तीन चार महीने पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि अब आप लोग यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाएगा किसी भी प्रकार का जो योजना का पैसा है उसमें आप लोग यहाँ पे जो है कोई भी अकाउंट आप लोग का नहीं मांगा जाएगा। जितने भी छात्रों को यहाँ पे लाभ मिलता है उसमें आप लोग का अकाउंट नंबर नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आप लोग का जो पैसा है वो डायरेक्टली आप लोग का डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो उस प्रक्रिया को अब जो है अपना लिया गया है, यानी कि 2023 वाले में जो है अब आप लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है। जो आप लोग का आधार कार्ड है उसी के माध्यम से आप लोग का जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अब इसके लिए भी आप लोग का जो है आधार सीडिंग होना जरूरी है आपके बैंक अकाउंट में, आप लोग के बैंक अकाउंट में एनपीसीआई लिंक होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो ऐसे में आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा। अब इसको आप चेक किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आप लोग को बताता हूं, क्योंकि यहां पे जो है आप लोग को सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास जो तीन चार बैंक अकाउंट है फिर भी कोई बैंक अकाउंट जो है आपका डीबीटी इनेबल है या फिर नहीं है, आप लोग का बैंक अकाउंट यहाँ पे आधार सीडिंग है या फिर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि कितना भी अकाउंट हो, लेकिन अगर सरकार के पास आप लोग का अकाउंट जो है आधार सीडिंग के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से लिंक नहीं है तो आप लोग को पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है NPCI। इस तरीके से NPCI लिखकर आपको जो सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग का एक पोस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट आधार सीडिंग स्टेटस चेक। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का पोस्ट ओपन होगा, आपको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आप लोग को देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट NPCI लिंक स्टेटस चेक। तो यहाँ पे क्लिक है, आपको क्लिक करना है। तो आप लोग का कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिएगा, और आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, और आप लोग का शो कर देगा कि आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है आधार सीडेड है या फिर नहीं है, आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है या फिर नहीं है। और जो भी बैंक
बैंक अकाउंट आप लोग का डीबीटी इनेबल होगा उसका नाम भी आप लोग का शो कर दिया जाएगा कि आपका इस बैंक में, मान लीजिए आपका SBI में खाता है, PNB में खाता है और भी बहुत सारा बैंक में आप लोग का खाता है, लेकिन आप लोग का कौन सा बैंक अकाउंट जो है वो आप लोग का डीबीटी इनेबल है उसका नाम आप लोग का शो कर देगा। मान लीजिए SBI आप लोग का इनेबल है तो SBI आप लोग का वहां पे शो कर देगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो आप लोग का प्रॉब्लम था वो मैंने आप लोग को बता दिया कि डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से आप लोग का जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा भेज दिया जाएगा। जो भी अकाउंट आप लोग यहाँ पे डीबीटी इनेबल होगा आधार के माध्यम से डायरेक्टली आप लोग का उस खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड जो परेशानी आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो रहा है। यहाँ पे गलती आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग का जिस तरीके से लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रहता है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे ही टाइप कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो आप लोग को डैश दिख रहा है, यहाँ पे देख पाओगे इस तरीके से जो डैश दिख रहा है ये पूरा आप लोग वहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप लोग को ये डैश छोड़ना नहीं है, ये डायरेक्टली आप लोग वहाँ पे नहीं डालना है, ये डैश जो है ये आप लोग वहाँ पे डालना होगा तभी आप लोग यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग कर क्या रहे हैं कि जो डैश होता है उसको हटा देते हैं और डायरेक्टली पूरा जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालते हैं, लेकिन डैश आप लोग को वहाँ पे डालना है, इस बात का आप लोग वहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला जो परेशानी आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनका जो लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि यहाँ पे जब आप स्टूडेंट पे आइएगा यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे नाम डालिएगा और सर्च कीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे शो नहीं करता है। यहाँ पे जो आप लोग का लिखता है कि आप लोग यहाँ पे जो नाम इसमें नहीं है या फिर इसमें डाटा आप लोग का उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे जो आप लोग का शो करता है इसके कारण से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमारा आवेदन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो कुछ वेबसाइट में आप लोग का प्रॉब्लम है इसलिए इसमें आप लोग का चेक योर नेम इन द लिस्ट में आप लोग का शो नहीं कर रहा है। आपको करना क्या है, अपना जो स्टेटस होगा उसको चेक करना है। यहाँ पे देखिए चेक स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर आपको जो क्लिक करना है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। यहाँ पे जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना और सर्च पे आपको क्लिक करना है। मैं जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूँ उस पर आपको सर्च करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च किया है तो यहाँ पे करंट स्टेटस आप लोग का शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो स्कूल का नाम होगा, जो स्टूडेंट का नाम होगा वो आप लोग का शो करेगा, बैंक अकाउंट स्टेटस आप लोग का शो करेगा। अगर आप लोग का इस तरीके से शो कर रहा है इसका मतलब है कि आप लोग यहाँ पे नाम 100% जो है लिस्ट में है, आप लोग को यहाँ पे आवेदन करने की आवश्यकता है, आप लोग का यहाँ पे जो पैसा है वो आप लोग को मिलेगा। तो परेशान नहीं होना है, आपको स्टेटस चेक करना है। अगर स्टेटस में कुछ इस तरीके से शो करता है तो इसका मतलब है कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं, आप लोग का यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा। अब जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दिया, जितना भी परेशानी आप लोग को यहाँ पे हो रहा था सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, साथ ही शेयर करो ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, तक के लिए धन्यवाद।